कोरोना और चाइना ने पूरे देश की वाट लगा रखी है। लद्दाख ट्रिप के जो आधे साल जो घूमने के टाइम होते हैं, आधे साल तो हमारे कोरोना ने ले बीता है, 6 महीने थे वो कोरोना ने ले चुका है, और ये जो अभी ट्रिप पे लद्दाख ट्रिप पे जाने का था सीन हमारा, तो वो भी चाइना ने ख़त्म कर दिया है। तो फिर भी हमें हार नहीं मानना है। अभी जो हमारा सिचुएशन चल रहा है इंडिया चाइना में, लद्दाख में जो लड़ाई हो रहा है, तो कभी ना कभी ये सिचुएशन ठीक हो जाएगा, और कोरोना भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं ठीक ही हो जाएगा कभी ना कभी। तो इस साल तो हम लद्दाख नहीं जा सकते, फिर भी हम हार नहीं मानेंगे, तो हम लद्दाख की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करेंगे। हम अपनी प्रिपरेशन को तैयार रखेंगे और फुल्ली पहले से रेडी रहेंगे। जब भी नेक्स्ट ईयर में अगर सिचुएशन ठीक हो जाएगा तो हमारा प्रिपरेशन तैयार रहेगा पूरे तरह से। तो बस लद्दाख की रोड वगैरह ओपन हो जाएगी नेक्स्ट ईयर मई से, तब हम लद्दाख चलेंगे। तो उससे पहले हमें प्रिपरेशन करते रहना है, हार नहीं मानना है, कभी ना कभी जाएंगे। तो मैं आपको इस सीन में अभी जब लद्दाख घूमना बंद है तब मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि आप प्रिपरेशन करते रहे, हार ना माने। मेरा मेन वीडियो बनाने का यही मकसद है कि अभी सिचुएशन ख़राब है तो कोई बात नहीं, हम अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे। जब भी सिचुएशन सही हो जाएगा तो हम लद्दाख ट्रिप पर जाएंगे। हमें अपना जोश जो है लद्दाख ट्रिप के लिए ये कम नहीं करना है, क्योंकि लद्दाख ट्रिप का क्रेज़ बढ़ते जा रहा है और मेरे अंदर भी लद्दाख ट्रिप का क्रेज़ है। तो मैं लद्दाख तो घूमूंगा ही, और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो और भी अच्छे तरीके से घूमूंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमेशा मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें। तो आज हम बात करेंगे अपाची RTR 160 में एक्स्ट्रा लाइट को कहाँ कहाँ पर लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप भी लद्दाख ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं और अगर आपके पास कोई से भी बाइक है, बुलेट, अपाची, पल्सर, महंगे से महंगे और सस्ते से सस्ते अगर बाइक है, अगर आप उससे लद्दाख ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं, किसी भी बाइक से अगर आप लद्दाख ट्रिप करते हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ होता है उसमें लाइट। अगर आपके बाइक में अच्छी लाइट है तो आप ट्रिप को एंजॉय कर पाएंगे। कंपनी के द्वारा जो लाइट बना के दी गई रहती है वो लाइट सिटी वगैरह के लिए काफ़ी है, पर जब हिल स्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ पे एक्स्ट्रा लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें कुछ साइड वगैरह में भी देखना होता है, और जो बाइक के साथ लाइट लगा रहता है वो साइड वगैरह में कम कवर करता है। तो आप अगर किसी बाइक से लद्दाख ट्रिप करना चाहते हैं और उसमें जुगाड़ लगा के, लाइट लगा के आप अपना ट्रिप बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो जुगाड़ लोगों के लिए ही है, क्योंकि मैं लेकर आया हूँ एक जुगाड़ अपाची RTR 160 में करूँगा। ये जुगाड़ लगा के आप LED लाइट लगा सकते हैं। ये वीडियो उन भाई लोगों के लिए स्पेशल है अपाची RTR 160 से ही लद्दाख ट्रिप करना चाहते हैं। ये अपाची RTR 160 से मैंने पिछले साल 2019 में भी दिल्ली टू वेस्ट बंगाल दिल्ली ट्रिप किया है, पर उस टाइम मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, तो मैंने वीडियो वगैरह फोटो वगैरह कुछ नहीं, फोटो कुछ खींचा था, कुछ डिलीट भी मार दिया है मैंने। तो ये उस टाइम भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। अब इस बाइक से हम चलेंगे लद्दाख और लद्दाख पे देखेंगे कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है, पर उससे पहले हमें प्रिपरेशन करना पड़ता है, तो हम वही करने वाले हैं। आपको आने वाले कुछ वीडियो लद्दाख ट्रिप के प्रिपरेशन पे रहेगा, फिर जब लद्दाख ट्रिप जाएंगे उस टाइम आपको एक्सप्लोर करके दिखाएंगे स्पेशल लाइट फॉर लद्दाख ट्रिप। नॉर्मल जो है कि सभी भाई लोग लेग गार्ड लाइट वगैरह लगाते हैं, तो मैं दिखाता हूँ आपको आप कहाँ पे जुगाड़ लगा के एक्स्ट्रा लाइट भी लगा। ये थोड़ा अभी गंदा हो चुका है, तो ये आप जो देख रहे हैं ये फॉग लाइट मैंने लेग गार्ड पे लगाया है, एक इस साइड लगाया है और एक इस साइड भी मैंने लगाया है। तो दो मैंने फॉग लाइट लगाए हैं, ये दोनों मैंने फॉग लाइट लगाए हैं लेग गार्ड पे, और आप ये जो तीन प्रोजेक्टर लाइट देख रहे हैं ये मैंने लगाया है नंबर प्लेट के आगे। तो हम बात करने वाले हैं कि आप दो फॉग लाइट लेग गार्ड पे कैसे लगा सकते हैं, और ये नंबर प्लेट जो फ्रंट में है यहाँ पे तीन प्रोजेक्टर लाइट कैसे लगा सकते हैं। और लद्दाख ट्रिप में लाइट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे लाइट वगैरह नहीं होता, काफ़ी अंधेरा रहता है, तो हमारे बाइक में अच्छा लाइट होना ज़रूरी है जिससे हम व्यू को देख पाएंगे। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ लेग गार्ड पे मैंने फॉग लाइट को इसलिए लगाया है क्योंकि ये इसका लाइट फैलता है, ये सामने का जो व्यू है चौड़े स्पेस में देख पाएंगे, रोड के साइड वगैरह में देख पाएंगे, तो इसलिए मैंने दो लेग गार्ड पे फॉग लाइट को लगाया है। और यहाँ पे जो आप प्रोजेक्टर लाइट देख रहे हैं तीन मैंने प्रोजेक्टर लाइट यहाँ सामने लगाया है, क्योंकि ये लंबा जो स्ट्रेट में रोड होता है काफ़ी दूरी तक देखने के लिए स्ट्रेट में, इसके लिए मैंने यहाँ पे तीन प्रोजेक्टर लाइट लगाया है। ये देखने में भी काफ़ी डेंजर लुक देता है, और ये सामने में ये फ्रंट में ही दिखाई देगा, तो इसका जो बोलते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, तो सेम वही काम इसका, जो भी आपके बाइक को सबसे पहले देखेगा तो उसका नज़र यहीं पर जाएगा। दोनों लाइट का पोजीशन तो मैंने बता दिया कि मैंने लेग गार्ड पे फॉग लाइट को क्यों लगाया और नंबर प्लेट के आगे फ्रंट में मैंने प्रोजेक्टर लाइट को क्यों लगाया।
प्रोजेक्टर लाइट को यह लगाया क्योंकि ये स्ट्रेट में ज़्यादा दूरी को दिखाएगा, और फॉग लैंप को मैंने लेग गार्ड पिछले लगाया क्योंकि हमारे रोड के सामने जो चौड़े स्पेस में व्यू है उसको दिखाएगा। तो ये तो काम हो गया इन दोनों का कि मैंने इस प्लेस पे इन दोनों को क्यों लगाया। अब इन दोनों को कैसे लगाया जाता है अब वो आपको बताता हूँ कि जुगाड़ करके आप इसको कैसे लगा सकते हैं। वेल्डिंग वाले दुकान पर आप जाके एक इस टाइप का पत्ती ले सकते हैं और अपने हिसाब से आप इसको कितना लंबा रखना है ये लेंथ को आप अपने हिसाब से रख लेंगे। उसके बाद उस पत्ती को मैंने यहाँ पे वेल्डिंग करवा दिया है, उसके बाद इसके ऊपर मैंने कलर करवा दिया, पेंट करवा दिया है। तो ये इसी तरह का मैंने दोनों लेग गार्ड पे करवाया है। तो अगर आप जुगाड़ करना चाहते हैं तो इस तरह का वेल्डिंग वाले दुकान पे जाके एक लोहे की पत्ती को वेल्डिंग करवा सकते हैं और उस पर कलर करके इस लाइट को आप लगा सकते हैं। यू माउंट वाला लाइट है तो आप यू माउंट वाला लाइट इसमें लगा सकते हैं, अदरवाइज ये मेरा जो लाइट है ये सीधा इस तरह का नट रहता है तो ये नट को ये लेग गार्ड में मुझे होल करके लगाना पड़ता, तो वो मैं चाहता नहीं था इसलिए मैंने इस तरह का पत्ती को लगा के इसमें लगाया है। आप ये जो देख पा रहे हैं ये नट इस टाइप का सीधा ये था लगाने के लिए, तो ये लगाने के लिए मुझे लेग गार्ड पे होल करना पड़ता था जो मैं चाहता नहीं था, इसलिए मैंने इस तरह का जुगाड़ लगाया है। और आपको इस लाइट में जो इसके साथ जो नट मिलेगा वो साइज आप बता के सामने में आपको होल करवाना है जो लाइट के साथ नट मिला है उसके साइज का, उसके बाद इसको पेंट कर दीजिए, ये हो जाएगा इसका काम, हो जाएगा फिनिश। अदरवाइज अगर आप इतना झमेला नहीं करना चाहते हैं तो इसका एक ब्रैकेट माउंट मिलता है फॉग लाइट लगाने के लिए, तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वो भी खरीद सकते हैं। 200 से स्टार्टिंग और 1,000 रुपये 2,000 रुपये तक जाता है। तो अगर आप जुगाड़ करना चाहते हैं तो आपका 20 से 40 रुपये में हो जाएगा। लेग गार्ड में आपको सिर्फ 3 चीज़ों करना है, वेल्डिंग वाले दुकान पर जाना है, पत्ती को लेना है, यहाँ पे वेल्डिंग करवाना है और एक यहाँ पे होल करवाना है, ये आपका हो जाएगा 20 रुपये में रेडी। फॉग लाइट ब्रैकेट माउंट का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से भी वो खरीद के आप फॉग लाइट को यहाँ पे लगा सकते हैं, और मैं फॉग लाइट का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो प्रोजेक्टर लाइट को लगाने का भी सेम आपको वही जुगाड़ करना है, आपको वेल्डिंग वाले दुकान पर जाना है। थोड़ा ज़्यादा पतला है ये ना रखें क्योंकि ये जब चलेगा तो हिलेगा, तो इसलिए आप थोड़ा मीडियम मोटाई में इस टाइप के पत्ती को लें। आपको ये लाइट से थोड़ा सा आगे रखना है क्योंकि अगर आपको ये फॉग लाइट लगाने के लिए भी जगह होना चाहिए, अगर आप छोटा रखेंगे तो ये आपके लाइट में ही जो बाइक के साथ लाइट है हेडलाइट है वहाँ पे ये टच हो जाएगा, तो इसलिए आप इसकी लंबाई को थोड़ा आगे रखें तो आपकी ये हेडलाइट में नहीं टच होगा। और एक बात, आप इसको ऊपर भी रखें, ज़्यादा नीचे भी ना रखें क्योंकि जब हम ब्रेक लगाते तो ये जो हमारे सोकर होते हैं ये नीचे जाते हैं, तो अगर आप इसको नीचे रखेंगे तो आपके ये मड गार्ड में टच होगा और आवाज़ भी करेगा तो वो अच्छा नहीं होगा, तो मैंने इसी हिसाब से इसको बनाया है। तो आपको एक इस टाइप का पत्ती लेके यहाँ पे इस टाइप का आपको टेढ़ा करवा देना है और यहाँ पे एक होल करवा दे इसी नट के साइज़ का, और आपको सेम इसी तरह इस यहाँ भी आपको इसी तरह से ऊपर की तरह ही यहाँ पे जिस तरह से मुड़ा हुआ है उसी तरह से आपको ऊपर की तरह मोड़ना है, और मोड़ने के बाद आपको इस तरह का एक पाइप लेना है जो ज़्यादा भारी भी ना हो हल्का भी ना हो, उसको भी आप अपने लाइट के साइज़ के हिसाब से कटवा ले, ज़्यादा बड़ा भी ख़राब लगेगा छोटा भी ना, 3 लाइट लगने के लिए जगह रहेगा, तो मैंने इसके साइज़ से ही अपने हिसाब से ही इसको करवाया। तो आपको एक ये पीछे जो मैंने बताया ये पत्ती लेना है और एक ये पाइप लेना है, और जो इस साइड में पत्ती को आपने मोड़ा है उसको यहाँ पे वेल्डिंग करवा दे, तो एक यहाँ पे वेल्डिंग एक यहाँ पे वेल्डिंग करवा दे, यहाँ पे एक वेल्डिंग करवा दे एक यहाँ पे वेल्डिंग करवा दे। ये मैंने अभी कलर नहीं करवाया क्योंकि मैंने इसको आज ही अभी ये करवा के ही मैं ला रहा हूँ, तो ये कलर करवाने के लिए टाइम नहीं मिला है, बाकी मैं इसको कलर करवा लूँगा जिससे इसका लुक काफ़ी अच्छा भी लगेगा और इस पर पानी वगैरह लगता है तो इस पर जंक भी नहीं लगेगा। तो आपको ये दो चीज़ करवाना है, बस आपको यही काम करवाना है। फॉग लाइट के लिए आपको 2 पत्ती लेना है और आपको वेल्डिंग करवाना है, और फॉग लाइट लगाने के लिए 2 नट के हिसाब से आप वहाँ पे होल करवा दें, और प्रोजेक्टर लाइट के लिए आपको 2 पत्ती लेना है और एक पाइप लेना है, इसको ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ मैं वेल्डिंग करवाएं उसके बाद कलर करवा दें, उसके बाद आप फॉग लाइट को लगा सकते हैं। बाकी कनेक्शन का जो बात है आप कोई भी जहाँ पे बाइक वगैरह बनाते हैं वहाँ पे जाके आप ये कनेक्शन करवा सकते हैं। खोलने के लिए मेरे पास इसका सामान नहीं है नहीं तो मैं इसका जो कनेक्शन किस तरह से किया गया वो भी दिखा देता, तो आप अच्छा होगा कि आप अपने जो बाइक वगैरह बनाते हैं वहाँ पे जाके इसका कनेक्शन करवा लें। तो ये दोनों लाइट के लिए अलग अलग 2 स्विच लगाएं, एक हो गया मेरा ये फॉग लाइट का, एक हो गया ये प्रोजेक्टर लाइट का।
तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप दोनों अलग अलग स्विच लगाएं, और इसमें बैटरी का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप ये इसको दिन में यूज नहीं करेंगे तो आपकी बाइक जो दिन में चलेगी वो चार्ज हो जाएगी, तो आप इसको रात में यूज कर सकते हैं। जिस हिसाब से ज़रूरत रहेगा मैं उसी हिसाब से लाइट को ऑन कर रखूँगा। बाई चांस कभी कभार अगर आपका बैटरी लो हो जाता है और फिर भी आपको अगर लाइट की ज़रूरत है तो आप कुछ लाइट को बंद भी रख सकते हैं, कुछ लाइट को ऑन भी रख सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों अलग स्विच करवाया। तो आपको बाइक खड़ी करके चालू नहीं करना है, इसको ऑन नहीं रखना है, आपको जब बाइक रनिंग रहेगा तभी आप लाइट को ऑन रखेंगे। लद्दाख ट्रिप प्रिपरेशन का पार्ट वन, इसी तरह मैं पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर करके वीडियो जो लाता रहूँगा लद्दाख प्रिपरेशन का, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बस यही आपको चीज़ करना है। अभी आप दिन में लाइट देख लीजिए ये कैसा लाइट कर रहा है। तो अब इसको हम रात में चेक करते हैं, रात में इसका लाइट कितना अच्छा है। तो रात के बज चुके हैं 10 और बारिश हो रहा था तो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो अभी बारिश थोड़ा बंद हुआ है तो मैं इसको वीडियो बना रहा हूँ। तो बारिश हो चुका है और रोड भी हो चुकी है गीली, तो बारिश जब होता है तो रोड थोड़ा डार्क दिखाई देता है, क्लीन नहीं पता चला। फिर भी हम लाइट को चेक करते हैं इस मौसम में ये हमारा लाइट कैसा काम कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम बाइक के स्टॉक हेडलाइट को ऑन करते हैं, और मेरा इसमें दो दिन पहले इसका जो हाई बीम लो बीम करने का होता है तो मेरा इसमें हाई बीम वाला लाइट का फ्यूज कट चुका है, तो ये लो बीम में मेरा बाइक का स्टॉक लाइट चल रहा है, और ये मैंने अभी फॉग लाइट को ऑन किया है। तो ये मेरा फॉग लाइट है तो बारिश में भी काफ़ी अच्छा लाइट दे रहा है, ये प्रोजेक्टर लाइट का ब्राइटनेस है, और इसका मैंने पोजीशन ये प्रोजेक्टर लाइट का नीचे रोड पर पड़ा, बाकी दो थोड़ा ऊपर हो गया, उसका मुझे पोजीशन चेंज करना होगा। आप देख सकते हैं ये रोड गीली है फिर भी ये ब्राइटनेस काफ़ी अच्छा दे रहा है ये लाइट, और इसका प्रोजेक्टर लाइट जो है वो मेरा नीचे है और एक ऊपर चला गया है, इसलिए ये थोड़ा कम रोशनी दे पा रहा, पोजीशन ठीक करने पे इसका लाइट भी काफ़ी अच्छा। तो अगर आपको ये जुगाड़ अच्छा लगा तो थम्स अप कर दीजिए, थम्स अप आप नीचे लाइक बटन पे जाके कर सकते हैं जो इस टाइप का बना हुआ रहता है, और आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप बेल आइकन को भी दबा दीजिए, घंटी वाला बटन होगा उसको भी दबा दीजिए, जिससे आपको अगर मैं कोई वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस वीडियो को आराम से देख सकते हैं।